खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। और शुरुआत करते हैं कश्मीर दिनभर के साथ। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। श्रीनगर की ईदगाह, लाल बाजार सहित कई इलाकों को सील कर दिया गया। लगातार मामले सामने आने के बाद इस तरह का फैसला लिया गया। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर शहीद इकबाल चौधरी ने इसको लेकर आदेश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए योजना तैयार की गई है, साथ ही उन्होंने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश भी दिया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, आज का आंकड़ा बताइए, क्या कोई पॉजिटिव केस सामने आया या फिर आज राहत भरी सुबह रही, शाम रही और दिन रहा? विजेंद्र, आज भी जम्मू कश्मीर से कोई अच्छी खबर नहीं है, बल्कि जो डेथ है वो तीसरी डेथ रिकॉर्ड की गई। इससे पहले नॉर्थ कश्मीर और टंगमर्ग सोपोर और उसके बाद आज बांडीपोरा के एक इलाके से एक शख्स की डेथ हुई है और कुल मिलाकर जो आंकड़ा है विजेंद्र वो 125 तक पहुंचा, जिसमें 118 एक्टिव केसेस हैं, 4 रिकवर हुए हैं, 3 की डेथ अभी तक हुई है, 9209 होम क्वारंटीन में है जबकि 567 हॉस्पिटल में है, 118 हॉस्पिटल आइसोलेशन में है। इसी के साथ कश्मीर के उस शुमाली कश्मीर से ये खबर के शुमाली कश्मीर के एक 52 साल शख्स की मौत वाकया हुई। इन्हें श्रीनगर के महाराजा अस्पताल में दाखिल किया गया था, हालांकि पेशेंट की उम्र 52 साल बताई जाती है। डायबिटिक और हाइपरटेंशन होने की वजह से उसे खसूसी वार्ड में रखा गया और कुछ इंजेक्शन लगवाने के बाद उसकी मौत वाकया हुई। इसकी कोई भी हिस्ट्री पिछले 9 महीने से किसी भी तबलीगी जमात, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री में जाने का नहीं था। सिंपली एक बागबान था, ऑर्चिडिस्ट था और उसके बाद 8-9 महीने से अपने गुर जहांगीर इलाके से बाहर नहीं आया। तहम उनके रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर अगर वक्त से पहुंचते तो शायद इससे बचाया जा सकता है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के आंकड़े आज संजुआ पठंडी से 6 केसेस जो है वो सामने आए हैं, लाल बाजार से 3 केस, दरेश कदर श्रीनगर से 1 केस, बारामूला से 2, बांडीपोरा से 3 जबकि गांधरबल से 1 केस। जबकि सैंपल की बात करें विजेंद्र तो 1900 सैंपल अभी तक रवाना किए गए, जिनमें से 1763 सैंपल जो है वो नेगेटिव पाए गए। 12 रिपोर्ट के आने का इंतजार है और सरकार ने इन अफवाहों की तरदीद की। वादी में, घाटी में मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ लद्दाख से खुशखबरी, लद्दाख में कुल मिलाकर अभी तक लद्दाख, कारगिल, नोबरा, जानस्कार से 14 केसेस आए थे, जिनमें से 10 रिकवर हुए, 4 डिस्चार्ज किए गए। यानी लद्दाख जो है पहला एरिया होगा अभी तक जिन्होंने तकरीबन कोविड-19 एपिडेमिक के खिलाफ अपनी छेड़ी हुई जंग जो है जीत ली है। प्रशासन ने आज भी अपील करी है कि इन रिपोर्टों के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, स्टे इंडोर्स, अपने घरों के अंदर रहें और ट्रेवल हिस्ट्री न छिपाएं। जिस जगह से आप आए हो कोई गुनाह नहीं किया, इसका इलाज हो सकता है, और गैर जरूरी तौर पर बाहर न आए और घरों में जितना ज्यादा हो सके एक्सरसाइज का एहतमाम करें। यानी विजेंद्र कुल मिलाकर आंकड़ा जम्मू कश्मीर का 125 पर पहुंच गया, जिनमें से 3 की मौत वाकया हुई और खुशकिस्मती से जो पहला कोविड-19 पेशेंट 67 ईयर ओल्ड लेडी जो खानिया श्रीनगर की थी रिकवर होके वो घर चली गई है। जी बिल्कुल, से शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के सूरत हाल क्या कुछ हैं। 125 आंकड़ा पहुंच चुका है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके अलावा 4 लोग रिकवर हो चुके हैं। यानी कि अगर बात की जाए एक्टिव केस की तो फिर एक्टिव केस वहां 118 है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जेल से घर भेजने के आदेश दिए। इसके साथ एक अलग आदेश के तहत उनके घर को एक सब जेल घोषित किया गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी को बरकरार रखा गया है। इसके पीछे कोरोना संक्रमण को कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती धारा 370 हटाए जाने के दिन से ही नजरबंद है। नजरबंदी का समय पूरा होने के बाद महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर महबूबा को पूरी तरह रिहा किए जाने की मांग की। वहीं पुंछ की तहसील मंडी में लोगों को मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर्स के दूसरी चीजों की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जनता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जरूरी वस्तुओं को उन्हें मुहैया करवाया जाए। वहीं दक्षिण कश्मीर के शोपियां में कोरोना का बागवानी पर व्यापक असर दिख रहा है। यहां 80% आबादी बागवानी पर टिकी है। इस वक्त यहां बागवानी करने वालों को कीटनाशक और उर्वरक नहीं मिल पा रहे, लेकिन यहां के डीडीसी ने पूरी घाटी में परेशानी को समझते हुए 12 बजे से 2 बजे तक कीटनाशक की दुकानों को चालू रखने की अनुमति दी। डीडीसी के इस कदम से वहां की जनता ने उनको बधाई भी दी। पेस्टिसाइड स्प्रे का सीजन होता है और ये हमें ऑलरेडी जब से ये शटडाउन अनाउंस हुआ था कोविड-19 का, तब से हमें फिक्र थी कि हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। हमने ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, इनको पासिस दे दिए थे, कर्फ्यू पासिस दे दिए थे, बट लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी मुश्किल आ रही थी क्योंकि काफ़ी लोग डायरेक्टली शॉप्स से ही परचेज करते थे लास्ट मोमेंट पे। तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 120 शॉप्स हैं पूरे विलेज में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और हमने इन सबको अब ऑथराइज कर दिया है हर दिन 12 से 2 बजे के बीच खुलने का। और आइडिया ये है क्योंकि ये विलेज लेवल पे ही हैं तो लोग डायरेक्टली इनको अप्रोच कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू क्रॉस एनी नाका। तो बट इसके साथ साथ जैसा आपने फरमाया, मेरी यही गुजारिश रहेगी लोगों से कि प्लीज़ डू नॉट अंडरटेक एनी सॉर्ट ऑफ क्राउडिंग अराउंड द पेस्टिसाइड शॉप। और इसमें जो शॉप ओनर हैं उनकी भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो किसी तरीके का सिस्टम बनाएं। जैसे हमने J&K बैंक्स के आउटसाइड बनाया है, कुर्सियां रखी हैं डिस्टेंस लगा के, वैसे वो यहां भी मेंटेन करें। शालगढ़ी पोंगल परिस्थान तहसील में आज जरूरतमंद लोगों को पुलिस ने मुफ्त राशन वितरण किया है। इसके बाद लोगों में खुशी भी देखने को मिली, लोगों ने बाकायदा पुलिस का धन्यवाद भी दिया। वहीं रामबन के जिला विकास आयुक्त नाजिम खान ने एक वेबसाइट rambansahyog.com लॉन्च की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होगी। इस वेबसाइट के जरिए प्रशासन ने लोगों से मदद करने की अपील की। नाजिम खान ने कहा कि जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए हर वो काम कर रहा है जो मुमकिन हो सकते हैं। बहुत सारी डिफिकल्टीज इस वक्त पूरी ह्यूमैनिटी फेस कर रही है। रामबन में हमने एक छोटा और इनिशिएटिव आज लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी NIC की टीम ने ये विद इन 2 डेज इस इनिशिएटिव को फाइनलाइज करके एक पोर्टल हमें दिया है आज। rambansahyog.com से इस सहयोग rambansahyog.com करके ये एक पोर्टल हमने लॉन्च किया आज, जिससे वॉलंटियर्स जो सामने आना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं इस डिफ़िकल्ट टाइम में, वो रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। और उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद उनका जो भी एक्टिविटीज़ और जो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं वॉलंटियरली, उनको हम मॉनिटर भी कर पाएंगे और उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सहयोग हम दे पाएंगे ताकि वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें इस डिफ़िकल्ट टाइम में। सोपोर के तहसीलदार और पुलिस ने मिलकर निराश्रित परिवारों को खाने की सामग्री वितरित की, इससे लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। वहीं पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश भी दिए। बनिहाल में पुलिस ने जम्मू कश्मीर बैंक के उपभोक्ताओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की। उन्होंने नगर निगम पार्क में उपभोक्ताओं को लाइन में खड़ा किया। साथ ही पुलिस ने लोगों से प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील भी की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि देश के किस राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या क्या कुछ हो चली है और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। जल्द हासिल होते हैं।